दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपरहिट रहा है, सुपरहिट, और आने वाले वर्षों में ये महाराष्ट्र को विकास के नए आयाम पर पहुंचाने वाला है। और आप ये भी मान लीजिए, देवेंद्र और नरेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 1+1 2 नहीं होता है, नरेंद्र और देवेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। और ये 11 की ताकत महाराष्ट्र को हिंदुस्तान में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सामर्थ्य प्राप्त करती है। आज जब भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर हम चले हैं, तो महाराष्ट्र विकास का वो इंजन है जो इस सपने को पूरा करने में नई गति देगा, नई ऊर्जा देगा, नया उत्साह देगा। आज भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप फ्रेंडली देश है, तो इसमें महाराष्ट्र की भूमिका अहम है, यहां के नौजवानों की भूमिका अहम है। बीते 5 वर्षों में भारत में रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आया है, विदेशी निवेश आया है, तो उसका बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में आया है। बीते 5 वर्ष में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, तो इसमें भी महाराष्ट्र अग्रणी रहा है। आने वाले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का बहुत बड़ा लाभार्थी भी महाराष्ट्र होने वाला है। एक नरेंद्र और एक देवेंद्र, ये वो सूत्र है जो महाराष्ट्र के विकास के डबल इंजन को 11 गुना शक्ति दे रहा है। 31 अक्टूबर को वोट देते समय, 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को वोट देते समय आपको इसी डबल शक्ति को ध्यान में रखना है।